पहले मैं काम कर रहा थे रेडीमेड का भी किया बैटरिया का जिन्ना मतलब सारे काम कर चुके हैं मैं पर कोई मतलब कि वह जो मुकाम तक नहीं पहुंचा है। तो जी माता जी इन्नी उम्र हो गई है पर इत्थे काम करना कितना कोखा लगता है। सर सानू यह है भी इत्थे काम करने नाल सानू किसे दे घर जाके काम जिद्दां मैं विआह शादी च रोटी का काम करती सी उत्थे मैनूं खेचल बहुत ज्यादा हुंदी सी हुण यह है भी बेटे नाल भी हथ वंडाणा पैंदा पिआ मैनूं। मन च नहीं आता कि इन्नी उम्र होगी तो मैं इत्थे हजे भी मतलब काम कर रही पर कहना लैंदे सर की करिए फिर हुण करना पैंदा मजबूरी नाल ना बेटे का साथ दे तो फिर बेटे नूं हजे काम इन्ना आंदा नहीं करना। गुजारा माता जी किवें हुंदा तां कदी सोचे कि पुत्त दे नाल इत्थे मतलब इदां इह वी काम करना पई पर सर सोचिया तो नहीं सी कुछ भी पर यह है भी जो भी मालक ने लिखिया है साडे कर्मां च उस करना पैना है सानू यह भी साडे कर्मां च लिखिया सी बाकी करन वाले बाबा जी बैठे है सब कुछ उन्हां ने सानू यह है थोड़े च भी बहुते च भी बरकत आना नहीं पानी। सत श्री अकाल दर्शको तुसी वेख रहे हो जगबानी टीवी तो अज असीं तुहानूं इक ऐसी कहानी नाल रूबरू करावांगे कि जो जुड़ी आ मां पुत दे नाल। तां जी बिल्कुल तस्वीरां तुहानूं सब तो पहला सांझियां कर रहे तुसीं वेख सकते हो कि अमृतसर के आई डी एच मार्केट के बाहर जो एक मां ते पुत वल्लों जिहड़ी अपनी एक रसोई चलाई जांदी आ तां कह सकदे आ कि जिथे नौजवान पुत उहनां दे नाल उहनां दा साथ दिंदा ते उत्थे बजुर्ग माता भी जो अपनी इस उम्र दे विच रोटियां पकाउंदे दिखाई दे रहे ने। सब तो पहला आपां उहनां दे पुत्तर दे नाल गल करांगे नितिन जी दे नाल। तां नितिन जी किन्ना समां रेडीमेड का भी किया बैटरिया का जिन्ना मतलब सारे काम कर चुके हैं मैं पर कोई मतलब मुकाम तक नहीं पहुंचा है हूं जो मतलब मैं लगता पा कि जो ए मैं शुरू किया वा फिर तो मैं मतलब उम्मीद हैगी है कि हुण मैं अगे पहुंच सकदा वा। पर जेकर गल कर लिए तां नौकरियां भी कर सकदे सीगे तुसीं काफी नौकरियां भी हुंदियां ने लाइफ दे विच पर इही काम ही क्यों चुनिया। सर इह वा कोई मतलब कि अपने काम वर्गी रीस कोई नहीं हैगी ते नाले इह वा जदों मर्जी एमरजेंसी कोई लोड़ पई किते जाण दी ते किसे नूं कहना नहीं पवेगा अपनी मर्जी नाल जिद्दां मर्जी कर सकदे काम। किन्ने थोड़ी क्वालिफिकेशन की है तो उसके नाल नाल जे गल कर लिए कि तुसी इत्थे काम चला रहे हो तो अक्सर कदी कोई गल नहीं करता कि हाँ भी मतलब इन्ना नौजवान होके नाल अपनी माता दे नाल तुसी इत्थे काम कर रहे हो। नहीं सर कोई कहंदे ते आया वा कि मतलब कि जिस तरह दी मम्मी भी नाल लगे है पर मैं मेरे भी मतलब कि हैगी है कि चलो मैं कल्ला ही करा मम्मी नूं घर बिठावा अपने कि हुण इन्हां दी उम्र नहीं हैगी काम करन दी ते फिर भी मैं चलो किसे वेले जिदा हुण कल्ला वा मन बहुत महसूस हुंदा कि घर बैठे हुंदे आ ते फिर दिल करदा कि घर ही जिदा रहिंदे आ कि किते बीमार ज्यादा ना होण ते फिर पिछे मतलब कि ध्यान रहिंदा मेरा। घर का गुजारा किदा करदे हो किन्ने रुपए सब तो पहला तो एक तुसीं प्लेट दी अपना की रेट की रख्या है दसो ते घर इस तो बाद घर का गुजारा किवें करदे। सर रेट ते जो भी है पर बजट च नहीं हैगे इस टाइम पर है वा गाहक जिस हिसाब नाल हैगा अपने को चलो माड़ा मोटा खर्चा पानी निकलता पिया वा ते बाकी जो भी है अपना गुजारा हो बड़ा वधिया गुजारा होंगे इसे नाल ही। हाँ जी किन्ना क अगर किसी ने थोड़े को आना है तो किन्ने रुपए की जो प्लेट तुसी इत्थे देने हो खान। सर पूरी थाली दई दी है जे चावल पा के दई 40 रुपए थाली है जे चावल नहीं पाने एक सब्जी ते दाल 30 रुपए प्लेट दे दी है चार फुलके होंदे नाल। तां जी बिल्कुल साडे नाल उहनां दे जो माता जी उहनां ओह वी साडे नाल मौजूद उहनां नाल वी गल करांगे। तां जी माता जी इन्नी उम्र हो गई आ पर इत्थे काम करना किन्ना कोखा लगदा। सर सानू इह है भी इत्थे काम करन नाल सानू किसे दे घर जा के काम जिद्दां मैं विआह शादी च रोटी का काम करदी सी उत्थे मैनूं खेचल बहुत ज्यादा हुंदी सी हुण इह है भी बेटे नाल भी हथ वंडाणा पैंदा पिआ मैनूं। बेटा चलो काम करेगा कामयाब हो जाएगा अपने कामयाब हो जाएगा तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगी। मन च नहीं आता कि इन्नी उम्र होगी तो मैं इत्थे हजे भी मतलब काम कर रही पर कहना लैंदे सर की करिए फिर हुण करना पैंदा मजबूरी नाल ना बेटे का साथ दे तो फिर बेटे नूं हजे काम इन्ना आंदा नहीं करना हुण हौली हौली जा सिखेगा यह है दाल सब्जी लापिया बनाण हजे थोड़ा थोड़ा काम परौंठे परांठे बना लैंदा फुलके बना लैंदा हौली हौली इहनूं सिखना पैंदा पिआ हजे अजे 2 महीने हो गया पहले इन्होंने कुछ बनाया नहीं सी हैगा हुण सब कुछ हौली हौली बनांदा पिआ।
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਈ? ਪਰ ਸਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਸੁਨਕ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।